हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर यूनिट नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। एवरी ड्रॉप काउंट्स यहाँ पर पानी की बात बोलिए कि पानी हमें यूज़ करना चाहिए, पर जितना चाहिए उतना यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी टैप यानी कि नल को ऐसे ही उसमें पानी टपकता रहता है तो हम उसे छोड़ के चले जाते हैं, तो वैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी को यूज़ करना चाहिए जितना चाहिए सिर्फ उतना, क्योंकि वर्ल्ड में यानी कि यही बात देखिए हम कि बहुत सारे जो प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता है, और हमारे यहाँ तो पानी पीने के लिए मिलता है, नहाने के लिए, वो सब कुछ करने के, हम घर भी साफ करते हैं, वो सब सब कुछ जो हमारा पानी के साथ काम होता है वो हम पूरा करते हैं। तो हमें पानी मिलता है तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, आराम से पानी यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर एक स्लोगन भी बोला हुआ है कि वे सेव द वाटर, तो हमें पानी को बचाना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिट में हमें आगे बात बोलिए, यहाँ पर यूनिट के अंदर हमें स्टार्टिंग में बात बोलिए कि जो बहुत सारे टाइम के पहले जो किंग जो राजा थे वो लोग कैसे पानी को यूज करते थे, वो यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर राजस्थान का प्लेस है, वहाँ पर एक जो लेक बना है उसकी बात बोली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें बोला है कि लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत साल पहले की बात बोली है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ गदसीसा, ये पिक्चर में गदसीसा का पिक्चर दिया हुआ है। अब यहाँ पर है गदसीसा, गदसीसा। अब गदसीसा का मीनिंग क्या होता है? गदसीसा में ये जो सार है, सार का मीनिंग होता है लेक। लेक मतलब झील, तालाब के जैसा होता है झील, उसे हिंदी में बोलेंगे झील। तो यहाँ पर है दिस पिक्चर ऑफ गदसीसा, सार मीन्स अ लेक, सार का मीनिंग होता है लेक। किंग गदसी ऑफ जैसलमेर गोट इट मेड 650 इयर्स अगो विद हेल्प ऑफ द पीपल, ये किसने बनाया? तो जो वहां का गदसी करके जो राजा था, जैसलमेर का जो गदसी करके जो राजा था, उसने ये 650 इयर्स अगो पहले बनाया था। तो किससे? लोगों की हेल्प की मदद से वो बनाया था। आगे बोला कि ऑल अराउंड द लेक देयर आर गार्ड्स विद स्टेप्स लीडिंग टू द वॉटर। देखो हम पिक्चर में दिया हुआ है कि ऑल अराउंड द गार्ड, यहां पर है ऑल अराउंड द लेक, लेक के सब जगह साइड में, लेक आर गार्ड्स, वहां पर गार्ड्स है, विद स्टेप्स, स्टेप्स मतलब सीढ़ियां, लेडी टू द वाटर, पानी तक पहुंचने के लिए वहां पर सीढ़ियां भी है। डेकोरेटेड वरंडा, तो बराबर जो वरंडा है वो भी डेकोरेट किए हुए हैं। लार्ज हॉल, बड़े बड़े हॉल है। रूम्स एंड मच मोर, रूम भी है और बहुत कुछ भी है। पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, जो लोग है वहां पर आते हैं, जो त्यौहार हो गया तब लोग वहां पर आते हैं फॉर प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के लिए और म्यूजिक एंड डांस के लिए वो लोग वहां पर आते हैं। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द गार्ड, जो गार्ड के ऊपर स्टडी करने के लिए स्कूल भी है, जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं वो भी वहां पर आते हैं। उसके बाद बोला है द ताला बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरी टू केयर टू कीप इट क्लीन। अब यहाँ पर है ताला बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन, ये ताला करके जो हर लोग है, जो लोग वहां पर रहते हैं वो सब इसे बहुत ही क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, आप आगे बात बोली हुई है रेन वाटर की। यहाँ पर हमें पिक्चर दिया हुआ है, देखो पिक्चर के अंदर क्या क्या है, देखो तालाब है, तालाब की साइड में जो बना है उसे बोलते हैं, तालाब की जो साइड में बना हुआ है सब उसको, वहां पर से सीढ़ियां वो लीडिंग, उसके जरिए वो नीचे उतरते और वहां से पानी लेते हैं। आगे बोला है कि रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स, जो रेन वाटर जो पानी बरसात का जो पानी आता है वो कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स, बहुत दूर दूर से जो बारिश का पानी आता है ये आके यहाँ पर ये लेक के अंदर जमा होता है।
उसके बाद इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल। अब यहाँ पर एक और बात है कि जब वहां पर दूर दूर से जो बारिश का पानी है वो वहां पर आके इकट्ठा हो जाता है, और जब वो फुल हो जाता है मतलब जो तालाब है वो भर जाता है, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। जो झील है, एक झील जो झील है वहां पर पानी अगर फ्लो हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब उसके बाद दूसरी झील है, छोटी छोटी जो दूसरी झील है वहां पर लोअर लेवल की, ये जो अपर लेवल की है वो ऊपर की साइड में बनाए हुए, और दूसरी नीचे की साइड में जो दूसरी झील बनाई हुई है उसके अंदर पानी जाता है। When that will fill up, जब वो भी भर जाती है, the extra water flow into the next lake। जब ये मेन झील के अंदर पानी आता है, फिर दूसरी झील के अंदर पानी आता है, वो भी फिल हो जाती है, तो उसके बाद तीसरी जो झील होती है उसके अंदर भी पानी जाता है। This way all nine lakes fill up। ये वे के अंदर से पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, झील के अंदर से वन बाय वन झील के अंदर जाता है, और फिर ऐसे नाइन लेक, कितनी लेक है, जो नाइन लेक्स है वो पूरे भर जाते हैं, नाइन झील भर जाती है, नौ झील पूरी भर जाती है पानी से। द रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। जो रेन वाटर है, पानी का जो वाटर है, बारिश में जो पानी आता है वो ये झील के अंदर जमा होता है, और पूरे ईयर के अंदर ये झील का पानी यूज करते हैं लोग। गच्ची जार इज नो मोर इन यूज। गच्ची जार है अब जो ज्यादा यूज नहीं आता। मेनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज नाइन लेक्स। क्योंकि ज्यादा जो अब यूज नहीं होता, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग्स एंड कॉलोनी बन गई है, तो इसलिए वहां पर जो नाइन लेक्स उससे कनेक्ट हुए थे वो भी सारे अब बंद हो गए हैं। आगे बोला है, नाउ द वॉटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स। अब ये लेक के अंदर जो पानी था वो कलेक्ट जमा नहीं होता, वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड। तो क्या होता है, पानी बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद देखो पेज नंबर 52 पे देखो, हमें एक दिया हुआ है फोटो, यहां पर एक फोटो दिया हुआ है। ये फोटो में कौन है जो बिरूनी, अल बिरूनी करके एक इंसान की बात हो रही है। तो यहां पर हमें बोला है कि थ्रू आउट द आईज ऑफ अल बिरूनी, मोर देन 1000 years ago, मतलब 1000 वर्ष के पहले की बात है, और ट्रैवलर केम टू इंडिया। एक ट्रैवलर था, वो इंडिया में आया था, हिज नेम वॉज अल बिरूनी, उसका नाम क्या था, अल बिरूनी। The place that he came from it's is now called Uzbekistan। The place that वो जो प्लेस पर से आया था वो अब कहा, वो प्लेस का नाम कहा है, उज्बेकिस्तान करके वो प्लेस है। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही शो। अल बिरूनी ने क्या किया, वो केयरफुली एकदम आराम से केयरफुली देखा एंड ऑब्जर्व किया, फिर नोट डाउन उसे लिखा, एंड डिटेल ऑफ द शो, उसने जो जो भी देखा उसने सारा वहां पर नोट डाउन किया। उसके बाद आगे बोला है, ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। उसने वो स्पेशल चीज फाउंड की, कौन सी स्पेशल चीज फाइंड की, कि जो वेरी फाइंड उसने वो चीज फाइंड की जो उसकी कंट्री के अंदर नहीं था और इंडिया में था, वो चीज उसने ज्यादा नोट की। तो उसकी कंट्री के अंदर से इंडिया के अंदर जो चीज अलग पड़ रही थी वो उसने वहां पर नोट की। हियर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रॉट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम। यहाँ पर एक पार्ट, छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, तो उसने वहां पर क्या नोट किया वो पार्ट हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर लिखा हुआ है, देखो आप भी रीड कर सकते हो। तो यहां पर बोला है कि द पीपल आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। यहां पर जो लोग हैं वो पॉन्ड्स बनाने में बहुत ही माइंड यूज करते हैं, स्किल है उनकी कि पॉन्ड और अच्छे से बनाते हैं। माय कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज्ड टू सी देम।
अल्बिरुनी ने कहा कि मेरे लोग जो कंट्री के लोग हैं वो देखेंगे तो उन्हें सरप्राइज लगेगा कि ये ऐसे बनाते हैं। दे पाइल अप हर्ब रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज रेज प्लेटफॉर्म्स और अराउंड द। यहां पर बोला है दे पाइल अप हर्ब रॉक्स, वो बड़े बड़े पत्थर को जॉइन देम विथ आयरन रॉड्स, बड़े बड़े पत्थरों को आयरन रॉड से ज्वाइन करके टू बिल्ड चबूतरा, वो क्या बनाते हैं चबूतरा बनाते हैं, रेज प्लेटफॉर्म्स ऑल अराउंड द लेक, और वो चबूतरा बनाते अराउंड द ऑल अराउंड द लेक, जो लेक के साइड में वो ऐसे चबूतरा बनाते हैं, चबूतरा को कहा जाता है रेज प्लेटफॉर्म। बिटवीन दिस देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस गोइंग अप एंड डाउन, और उसमें से वो लोग स्टेयरकेस भी बनाते हैं, सीढ़ियां भी बनाते हैं, और नीचे ऊपर से नीचे आने के लिए और नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाते हैं, गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जाने के लिए। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, जो स्टेप होती है सीढ़ियां होती है वहां पर आने का, नीचे आने का, जो ऊपर से नीचे आने की सीढ़ियां वो अलग होती है और नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां वो अलग होती है। सो देयर इज अ लेस क्राउड, तो यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा नहीं होती, कम होती है भीड़ जमा। तो यहाँ पर उसने नोट डाउन किया है कि आगे बोला है कि टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, जब आज हम यहाँ पर बोला है टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, टुडे मतलब आज जब हमने ये हिस्ट्री जानी, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग अल्बिरुनी, हमने ये जो अल्बिरुनी ने लिखा था उसके ऊपर से बहुत कुछ जाना है। दिस टेक्स्ट केम आउट इन 1973 1000 इयर्स आफ्टर हिज बर्थ, तो यहाँ पर दिस टेम्प, ये स्टैम्प 1973 में मिला था 1000 इयर्स आफ्टर हिज बर्थ, उसके बर्थ के 1000 साल बाद। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, आपको क्या करना है ऑब्जर्व करना है एंड फाइंड आउट करना है। अब क्या ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पर है लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आपके जो स्कूल का एरिया है वहां पर आपको देखना है आर देयर एनी फील्ड्स फार्म्स पक्का रोड्स ड्रेन एटसेट्रा, क्या वहां पर कोई खेत है, वहां पर फील्ड है खेत है फिर पक्का रोड है या फिर ड्रेन है। इज द एरिया स्लॉपी रॉकी और फ्लैट, क्या वो एरिया स्लॉपी मतलब ढाल वाला एरिया, ऊपर से नीचे आने का एरिया ऐसा एरिया है, फिर बाद में बोला रॉकी वो पत्थर वाला एरिया है या फिर फ्लैट। उसके बाद बोला है कि वेयर विल द रेन वाटर गो, उसमें जो बारिश का पानी है वो कहाँ भर जाता है, इनटू द ड्रेन्स, ड्रेन्स में जाता है, पाइप में जाता है या फिर पिट्स गड्ढे में जाता है। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग शॉक इनटू द सॉइल, क्या थोड़ा सा पानी जो होता है वो पानी जमीन के अंदर पूरा जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, वो हमें फाइंड करना है। तो ये आपको अपनी तरह से फाइंड करना है, आपके घर के साइड में या फिर अब स्कूल के साइड में भी आपको फाइंड कर सकते हो कि मेरा पानी जो पानी है वो बारिश का कहाँ कहाँ पर जाता है। उसके बाद देखो हमें दिया हुआ है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप में हमें दिया हुआ है कि जो राजस्थान के लोग होते हैं अभी कैसे पानी वेस्ट नहीं करते और अभी कैसे पानी का यूज करते हैं, वो उसको जो हम बोलते हैं ना शॉर्टेज पानी का, वो उनको वहां पर बहुत ही पानी का शॉर्टेज है, तो वो लोग क्या करते हैं वो हमें यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर बोला है बिसाइड्स जैसलमेर मेनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटल रेनफॉल, अब यहाँ पर जैसलमेर या फिर राजस्थान में और भी बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। हियर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर समटाइम नॉट इवन दैट मच, यहाँ पर मतलब साल में कुछ ही दिन के लिए बारिश होती है या फिर ज्यादा बारिश नहीं भी होती है राजस्थान के कुछ प्लेस में।
द रिवर्स डू नॉट हैव वाटर और नाउन द रेन, इतनी कम बारिश होती है कि जो नदी है उनके अंदर भी पानी पूरे ईयर तक यूज हो ऐसा नहीं होता. एंड यट मोस्ट ऑफ द विलेज इन दिस एरिया डू नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. और मोस्ट ऑफ द विलेज इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. और बहुत सारे जो एरिया के अंदर गांव में जो पानी की बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है. पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ, यहां पर इसने बोला कि मोस्ट ऑफ द विलेज इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, बट इतना पानी इतने कम है तो भी यहाँ पर जो राजस्थान के बहुत सारे गांव में पानी की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है. तो क्यों? पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस, क्योंकि लोग जानते हैं कि पानी का हर एक की बूंद बहुत ही कीमती है. लेक्स एंड जोअर्स वेर मेड टू कलेक्ट वाटर. एंड जोअर्स, यहाँ पर बहुत से हमारा जोअर्स जोअर्स मतलब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ड है कि जोअर्स. जोअर्स का मतलब होता है जो लोग होते हैं सारे मिलकर एक गड्ढे ऐसा गड्ढे के जैसा बनाते हैं और इसमें पानी स्टोर करते हैं, तो इसे बोला जाता है जोअर्स. तो यहाँ पर बोला है कि लेक्स एंड जोअर्स वेर मेड टू कलेक्ट वाटर, तो पानी को जमा करने के लिए वो क्या बनाते हैं, लेक्स बनाते हैं और जोअर्स बनाते हैं. वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, पानी हर एक को चाहिए. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्ल्ड, पानी सबको चाहिए, इसलिए जो लोग हैं सब लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं. ये काम करने के लिए बात है क्योंकि पानी सबको चाहिए, तो ये गड्ढा करने के सब लोग जमा होते हैं. सब यहाँ पर बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबर, वहां पर व्यापारी लोग भी आते हैं और जो मजदूर लोग भी आते हैं वो सब ये काम करते हैं. वहां पर बोला है सम वाटर फ्रॉम द लेक्स शो इन द इन टू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बाउडीज यानी स्टेप. अब यहां पर बोले कि सम वाटर फ्रॉम द लेक्स, पानी वहां पर लेक में से शॉप इन टू द ग्राउंड, क्या होता है पानी जमीन के अंदर चला जाता है. एंड रीच द वेल्स एंड बाउडीज, वो क्या होता है रीच द कुएं के अंदर पहुंच जाता है. एंड बावडीज, क्या बावडीज मतलब स्टेपेल, स्टेपेल मतलब जो कुआं होता है, कुएं के अंदर जो सीढ़ियां बनाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं स्टेपेल. तो यहाँ पर है कि बावडीज और स्टेपेल के अंदर पानी जाता है. अब जो कुआं होता है तो कुएं के अंदर क्या हम करते हैं, जो हमारी बाल्टी होती है वो हम डुबा के फिर रस्सी से वो पानी खींचते हैं, तो वो कुआ. और स्टेपेल मतलब उसके अंदर से क्या होता है सीढ़ियों के अंदर थ्रू जो स्टेयरकेस होती है सीढ़ियों के थ्रू हम पानी लेने जाते हैं और फिर वहां से रिटर्न आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला है द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, तो इसकी वजह से क्या होता है जो सॉइल है वहां के एरिया की जो सॉइल है वो भी क्या बोलते हैं वो वहां पर वेट होती है और फर्टाइल भी होती है, मतलब खेती करने के लायक वो जमीन हो जाती है. उसके बाद बोला है कि एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर. एवरी हाउस मतलब हर एक जो घर है उसके पास पानी स्टोर करने के लिए एक सिस्टम होती है. लुक एट द पिक्चर ऑन द यू राइट, अब राइट में आपको पिक्चर दिया वो दिखना है कैसे, तो छत पे उसको बारिश का पानी वहां पर वो जमा करते हैं और फिर बारिश का पानी को कलेक्ट करते हैं और फिर वहां से एक पाइप निकाल के सीधे जमीन के अंदर एक पाइप नहीं देते, वहां पर टंकी बनाई हुई होती है, सीधा वहां से पानी बाहर तक चला जाता है. तो हमने देखा यहाँ पर देखो पिक्चर में दिया हुआ है टेरेस के ऊपर से एक पाइप ज्वाइंट की हुई है, वहां पर पानी कलेक्ट होता है. फिर बाद में देखो एक अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर जो टंकी बनाई है उसके अंदर पानी जा रहा है और एक गर्ल है एक वुमन है वो वहां पर से पानी कलेक्ट कर रही है. उसके बाद बोला कि हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक,
आप ये जो बोला है कि रूफ के ऊपर से जो पानी है वो जमीन पे जमीन के अंदर कैसे जाएगा वो आपको सोचना है और ड्रॉ द पाथ, आपको क्या करना है ये पाथ उसका रास्ता है पूरा ड्रॉ करना है। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की यूनिट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।